देखो, एक कवि कहता है कि हमारे है तुम्हें समझाए पचलिया भी आई थी फायदा भी है, फायदा है। अगर तुम्हारे पास पेंट या शर्ट को कपड़ा कमे चिंता मत करो, ना वीआईपी सलवार ला, पेंट परियन से ऊपर करवा लो, शर्ट करियाई से ऊपर करवा लो, वीआईपी के वीआईपी बाबू सलवाला रंग हो चाहे गहरा, वीआईपी बाबू सलवाला रंग हो चाहे गहरा। कभी देखा होगा किसी की बारात जाए तो बारात जब जाती है तो दूल्हा तो वीआईपी ढंग से जाता ही है, लेकिन बारात भाव से बड़ी वीआईपी बन के जाती। अगर खुद पर कपड़ा लाए तो दूसरे के मांग के पहन के जाए, लेकिन नए वीआईपी बने, वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जाती वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जाती गौर कर, वी आई पी वी भी घर में आए तो वही वी आई पी, वी आई पी सासू गाड़ी दे रही जब लेगी ससुर को हमों के घर लाए लगे वी आई पी। तो राम की ही शादी नहीं भाई बल्कि चारों भाइयों का विवाह होता है। राम की शादी हुई है सीता जी के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला के साथ, और भरत की शादी हुई है मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी हुई सुर्पकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ है और ये बारात वहां से चल के तैयार होने लगी चलने के लिए अगतपुर के लिए। ये 100 रुपया हमें मेहनत कर रहे हैं श्रीमान किशन यादव, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं, और 100 रुपया आए हैं सुभाष यादव, ये नेकपुरा के रहने वाले हैं। लिखा है आला